राजधानी दिल्लीर आईटी अंचल में पुणि चलला बुलडोजर दिल्लीर जबरदखल भूमि पर पीडब्ल्यूडी विभाग तरफ कार्यानुष्ठान पूर्व डीडीए तरफ मेरोली अंचल में पांच दिन जाए जबरदखल उच्छेद होता। आईटीओ अंचल में अवैध निर्माण उपर कार्यानुष्ठान सहित गोटे मंदिर और मस्जिद को भी भंगा जाए। यह अवसर में साधारण लोकों विरोध देखा मिलता। दिल्ली पुलिस तरफ सुरक्षा जोगाई दिया जाए। बेआईन निर्माण विरोध में अभियान चल पीडब्ल्यूडी विभाग। छत्तीसगढ़ रायपुर में चली 85वां राष्ट्रीय कांग्रेस महाधिवेशन। 2024 निर्वाचन पूर्व कांग्रेस में यह अधिवेशन अनेक गुरुत्व बहन कर राजनीतिक महल चर्चा होती। आज द्वितीय दिन में कांग्रेस राष्ट्रीय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस भारत जोड़ यात्रा सफलता विषय उठाई। कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महाधिवेशन में योगदान करते। सेपरि यह अवसर में खड़गे देशर कांग्रेस सरकार समय प्रतिष्ठा होता विभिन्न संपत्ति को एवर केन्द्र सरकार बिक्री करुवा आरोप आनी लोकतंत्र और संविधान विपद खड़गे। अनेपटे निजर अभिभाषण रखिंट कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया राजनीतिर अवसर नेवा नहीं आभास देखते। सेपरि कांग्रेस विजय हेले देशर विजय होती सोनिया देशवासी कांग्रेस लड़ाक प्रस्तुत थी से मध्यप्रदेश सिधि में गतकाली रात एक भयानक दुर्घटना घटी। द्रुतगति से आसुवा एक ट्रक तीनोटी बस को धक्का घटन 15 जन मृत्यु होता बेल 50 अधिक आहत होती। दुदिनिया भारत गस्तर अच्छा जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्स। राजधानी दिल्ली में जर्मनी फेडरल चांसलर ओलाफ स्कोल्स प्रधानमंत्री मोदी को हैदराबाद हाउस में साक्षात करते। नूतन ज्ञानकौशल वाणिज्य पुंजी विनियोग पर विभिन्न क्षेत्र में द्विपाक्षिक संपर्क को यह भेटघाट आहरी मजबूत कर आशा करा। दिनिकिया बिहार गस्तर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह बिहार लौरिया एक साधारण जनसभा को संबोधित करते केन्द्र गृहमंत्री। तेजस्वी को केवे नीतीश मुख्यमंत्री बनाए तार तारीख कहवाई नीतीश उद्देश्य कहते अमित शाह महामेंट सरकार उपरे भी हमला कर। तमिलनाडु रे ईस्ट विधानसभा आसन उपनिर्वाचन प्रचार मैदान को ओह्लाई तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। कांग्रेस प्रार्थी आज प्रचार कर स्टालिन। तेरे आसन मेंट दल तरफ कांग्रेस प्रार्थी कर फेब्रुवरी 27 रे ए आसन पर भोट पड़े। किसी दिन पूर्व कमल हसन भी कांग्रेस प्रार्थी प्रचार करते। भारतीय बजार अफगानिस्तान बेपारी हैदराबाद रे अफगानिस्तान रो आमदानी होइथिबा ड्राई फ्रूट्स को भारतीय बजार रे बिक्री करछंती अफगानी बेपारी। सेपरि लॉकडाउन समय रे विशेष करी व्यापार रे प्रभाव पड़िथिबा कहछंती। तुर्की रे विध्वंसकारी विपत्ति समय रे संकट मोचक साजुथिबा एनडीआरएफ रो 51 जणिया टीम भारत फेरिछंती। अवसर रे वीर जवान मानंकु चक्काघाट निकटस्थ बटालियन रे भव्य स्वागत करा जायछि। ऑपरेशन दोस्त जरिया रे टर्की रे दीर्घ दिन धरी उद्धार अभियान जारी रखी हजार हजार भूकंप प्रभावित लोकों जीवन बचाई वीर जवान। सेपरि एनडीआरएफ जवान माने अवसर रे टर्की रे सामना करथिबा विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति तथा निजर अनुभूति को बांटिछन्ते। तेलंगाना रे अंजनेय स्वामी देवस्थान मंदिर चोरी हला रूपा अलंकार जहां पुलिस सहित डॉग स्क्वाड पहुंची घटनास्थल रे सर्च ऑपरेशन जारी रखिछन्ते। महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी अवसरप्राप्त असिस्टेंट सिविल इंजीनियर दे धरना थाने जिलापा ऑफिस बाहर गंजी पिंधि पार्टी रे आंगूठी दे अधिकारी माने प्रतिवाद करुवा घटना भी चर्चा साउंटी। पेंशन सहित विभिन्न दाबी ने धारणा दिया कहते अवसरप्राप्त कर्मचारी। भारत में कोविड टीका बचाई 34 लाख जीवन। कोरोना विरोध में टीकाकरण अभियान को व्यापक कर भारत 34 लाख अधिक जीवन बचाई। एसत भारत 18.3 बिलियन डॉलर क्षति को रोक पारी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में कहा। 2020 अप्रैल 11 बेलू भारत में 7500 कोविड संक्रमण था। लॉकडाउन लगवा जो भारत प्राय 20 लाख लोकों जीवन बचाई पारि केवल मार्च एप्रिल रे लॉकडाउन जो 1 लाख लोकों जीवन बची। चाषी जो के हंतसंत हो पारे तार परम चित्र महाराष्ट्र आसी। सोलापुर जी अंतर्गत
बोरगांव चाषी राजेन्द्र 512 किलो प्याज धरी मंडी जाते बिक्री कले मात्र 2 टंका 49 पैसा पाइले। मंडी पक्ष दुई टंकार पोस्ट डेटेड चेक मिली जहाँकि 15 दिन पर पारे। 512 किलो प्याज बिक्री करने 70 किलोमीटर यात्रा करी सोलापुर मंडी में पहुंचले। महाराष्ट्र में मंडी में प्याज किलो एवं 1 टंका से हिसाब से 512 किलो प्याज बिक्री कर 512 टंका पाइबा कथा हेले मात्र 2 टंका 49 पैसा मिली आवहन खर्च बाबद को मोट 509 टंका 50 पैसा काटिंट मंडी अधिकारी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट परे गौतम अदानी व्यवसाय साम्राज्य गभीर प्रभावित होार प्रभाव भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी उपरे पड़ी। शुक्रवार स्टॉक मार्केट एलआईसी शेयर 1% कमी जाएगी।